संविदा पर कार्यरत मीटर रीडर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को ईएसआई कार्ड जारी न करने के संबंध में संविदा मीटर रीडर विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष सैयद नुमान अली द्वारा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान विद्युत विभाग से अनुबंधन के आधार पर मेसर्स साई कंप्यूटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा विद्युत विभाग में प्रदान की जा रही है। अनुबंधन के आधार पर विद्युत विभाग द्वारा समस्त संविदा मीटर रीडर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को ईएसआई की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके आधार पर दोनों कंपनियां संविदा मीटर रीडर एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रति माह मिलने वाले वेतन से ईएसआई की राशि की कटौती की जा रही है, परंतु आज तक उक्त दोनों कंपनी द्वारा किसी संविदा मीटर रीडर एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को ईएसआई कार्ड जारी नहीं किया गया है, जिससे ईएसआई की धनराशि में भ्रष्टाचार होने की संभावना बनी हुई है। ज्ञापन के माध्यम से मीटर रीडर मोर्चा संगठन के अध्यक्ष नुमान अली मांग करते हैं कि मामले के उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराई जाए। मेरा सैयद नुमान अली, मेरा पीएम को जो मैंने दिया है वो विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के अपने पेट पर दिया है। जो ये मीटर रीडर और ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, ये संविदा पर लगे हुए हैं, इनका ईएसआई का पैसा तो कट रहा है, लेकिन घपला ये है कि इन्होंने अभी तक कार्ड नहीं दिए 3 साल के अंदर अंदर कंपनियों ने, जबकि कई बार हमने मांग भी करी, मुख्य अभियंता को भी दिया, ऊर्जा मंत्री को भी भेजा लिख के, लेकिन उन्होंने किसी को कार्ड इशू नहीं करे हैं। जो इनके अपने थे एक दो लोग, उनको इशू कर दिए इन्होंने कंपनियों ने, समझे, बाकी किसी को नहीं दिए। इसमें बहुत लंबा घोटाला है और इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैंने आज डीएम साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ, तो इस पर जाँच होनी चाहिए। भाई ये तो पूरे मुरादाबाद मंडल में है, ये तो मुरादाबाद में करीब लोग बैठेंगे करीब 200 के करीब, और पूरे मंडल में तो हज़ारों की तादाद है इनकी, तो लगभग करोड़ों रुपए में घोटाला है इस चीज़ का, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। मैंने आज डीएम महोदय से मिलकर भी बात करी है, उनसे ही बताया, तो हम जाँच इसकी जल्द कराएंगे।